वहीं रायपुर में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज ने राजिम में संत समागम कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद शंकराचार्य ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धर्म की भूमि है और यहां आना अच्छा लगता है। उन्होंने राजिम कुंभ को कुंभ कल्प का नाम दिए जाने पर कहा कि शंकराचार्यों के कहने पर ही कुंभ कल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारें प्रदेश की पहचान ही स्थापित करना चाहती है। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को गौ हत्या बंद करने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो पहला काम ये करने के लिए कम से कम आपके सामने संकल्पबद्ध हो रही हो, केवल इतना। अपने घर के सामने वोट लगा दीजिए अगर आप हिंदू हैं तो, कि ये हिंदू घर है, कृपया ऐसी पार्टी यहाँ वोट मांगने के लिए ना आए जो सत्ता में आने के बाद भी गौ हत्या जारी रखना चाहती है। गाय को जो माई मानता हो वो हमारा भाई है, और जो उसको मानता ना हो बल्कि मारता हो वो कसाई है। तो हम दो सूची जारी करेंगे, एक भाई की सूची और एक कसाई की सूची, और हिंदू जनता के घर घर में पहुंचाएंगे कि ये भाई की सूची है, ये कसाई की सूची है, कसाई को वोट नहीं देना है, भाई को वोट देना है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज रायपुर पहुंचे, जहां स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने गौ हत्या समेत कई मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की। गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दिए जाने की मांग तेज हो गई है। हमारे साथ इस संबंध में बातचीत के लिए हैं शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी, छत्तीसगढ़ के प्रवास पर भी हैं। ये गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है, प्रयागराज में भी वहाँ पर संकल्प लिया गया, क्या अभियान आपने सोच कर रखा है? देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से नहीं सोच रहे हैं, देश भर के समस्त गौ भक्त मिल करके ये निश्चय किए हुए हैं कि अब की बार आर पार, क्योंकि 75 साल हो गए, बहुत होता है। अब 75 साल से हम एक ही रट लगाए हैं कि हमारी गाय बेचारी, उसके साथ अन्याय ना हो, वो मारी ना जाए, और निरंतर गौ हत्या हो रही, वो भी किस लिए कि उसका मांस बेच करके हम अपना खजाना भर लें, कितनी गंदी बात। तो ऐसी परिस्थिति में देश के हिंदुओं ने, सनातनियों ने, गौ भक्तों ने ये तय किया है कि अब गौ हत्या बंद करनी होगी। जो हमारी शुद्ध देशी नस्ल की गाय है उसको हम लोगों ने रामा गाय नाम दिया है, और उसी रामा गाय के लिए हम हत्याबंदी चाहते हैं, और उसी रामा गाय के लिए हम राष्ट्रमाता की पदवी चाहते हैं, क्योंकि अभी केंद्र और राज्य सरकारों की जो सूचियां हैं उनमें पशुओं की सूची में गाय को रखा गया है, कैटल, कैटल के रूप में उसको परिभाषित किया गया है, जबकि हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारी परंपरा कहती है पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। तो पशु की श्रेणी से हटा करके उसको राष्ट्रमाता की रूप में सम्मानित किया जाए और हत्या बंद की जाए, ये दो मांग है, और इसके लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए अब हम लोग तैयार हैं। थे हमारे साथ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं, और लगातार जो संकल्प उनके द्वारा लिया जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसको लेकर जल्द ही वो अभियान छेड़ेंगे, और सभी पार्टियों से उनका आग्रह भी है कि चुनाव के पहले वो इस बात को लेकर संकल्प लें, अपने मैनिफेस्टो में डालें कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और गौ हत्या पूरे देश में बंद हो। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।